கண்யாவரம் பரிப்ரஷ்டும் பிரம்மலோகம் அபாவ்ருதம் ஆவர்த்தமானி காந்தர்வே ஸ்திதௌ அலப்த க்ஷண க்ஷணம். கண்யாவரம் பரிப்ரஷ்டும், கன்யா கே யோக்ய வர் கே பாரே மே பூச்சனே கே லியே அபாவ்ருதம் பிரம்மலோகம். அபாவ்ருதம்னே ரஜகுண ஒரு தமோகுண சே ந டகா ஹுவா ஐசா ஜோ கேவல் சத்குண பிரதான ஜோ ஹே ஐசா லோகோகோ ஆவர்த்தமான காந்தர்வே. ஜப் காந்தர்வ இஸ் சமய கௌன் சே சல் ரஹா ஹே வைவசத் மன்வந்தர் சல் ரஹா ஹே காந்தர்வ மன்வந்தர் சல் ரஹா தா உஸ் சமய அலப்த க்ஷண க்ஷணம் ஸ்திதா. வஹாம் பஹுஞ்சா, வஹாம் சமய அபி பாக்கி தி, வஹாம் குச் வ்யஸ்த தே பிரம்மாஜி, குச் காம் கர்னே மே லகே ஹுவே தே. இதுலே ஏக் க்ஷண தக் சுப்சாப் இஸ்கோ வஹீ பைட்டே ரஹனா படா. அவர் பிரம்மாஜி கா ஏக் க்ஷண பீத்னே கா மத்லப் கித்னே லாக் வர்ஷ பீத் கயா ஹே. அப் சமஸ்யா நா, அப் தேகோ லட்கி கோ லேகே கயா ஹே, ஐன்ஸ்டீன் தியரி பதா நா மேனே, ரேவதி யே மாம்லா ஆ கயா நா. अब यहां से गया हुआ व्यक्ति वहां ब्रह्मा जी का एक क्षण रुक गया, हमने कई लाख साल बीत गया, लेकिन जब वो लौटे यहां पर तब वो 15-16 साल की थी, 8 या 9 साल की लड़की को लेके गए, लौटे 15 साल की रह गई, और बीच में कितना साल बीता, लाखों साल बीत गए. और इतने कहेंगे क्या ब्रह्मा जी, अब से आगे कई मनवंतर के बाद पैदा होने वाला है, कौन बलराम, उनको इसे विवाह कराना, इतने तक ये कैसी जवान रहेगी बेटी, विचारने विषय है ना यहाँ. कारण क्या है कि आइंस्टीन थियर ने ये तो कहा ना, एनर्जी और मास कांस्टेंट एक बना लिया गति का. यदि सामान्य रूपेण हर वस्तु का गति निश्चित है संसार में भौतिक पदार्थों का, इसलिए उसने कांस्टेंट बना लिया, सी नाम से रख दे, कांस्टेंट संख्या है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर. लेकिन प्रत्येक वस्तु का मास बदलता है, वजन जो स्थूल पदार्थ का वजन बदल जाता है, लेकिन वजन और उस कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो उसकी एनर्जी कितनी है ये ज्ञान हो जाता है. अब यदि मान लीजिए आपके अंदर सामर्थ्य आ जाए, आप अपने इस मास जो वजन है इसको घटा लीजिए, इसको हल्का कर दीजिए, लघिमा गरिमा है ना सिद्धियां, लघिमा सिद्धि प्रयोग कर दो, लघु हो जाइए, लघु ऐसे हो गया कि किरणों से जाते इसे भाग खड़ा हुआ, तब क्या होगा, तब आप जो है यादृश काल का गति श्लोक के लिए वर्णित है उस काल गति से परे हो जाएंगे. एक वैज्ञानिक अभी लिखा, यदि ये जो सूर्य का किरण जितना तेजी से आ रहा है, 1,84,00,000 कुछ बताते हैं ना वो, इतने किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो मान लीजिए जो भी है अलग अलग है, तो उस गति जितनी गति से आ रहा है उससे 100 गुण गति से हम विपरीत रास्ते चल पड़े, तो कहता है अगला सूर्यमंडल में हम पहुंच जाएंगे, इस सूर्यमंडल से हम पार हो जाएंगे और दूसरे सूर्यमंडल में हम पहुंच सकते हैं, ये उसने अपना हिसाब गणित करके दिया है. गणित के अगर कोई गया तो है नहीं देखा तो, नहीं तो गणित पर बोल दिया मैंने. लेकिन ये हमारे प्लस पॉइंट बन गया कि अखंड ब्रह्मांड हम लोग बोलते अनंत ब्रह्मांड वो सिद्ध हो गया, मैंने वो भी मान रहे एक और कोई सूर्य है, और उस सूर्य के जो है हम जो परिधि के अंदर घुस सकते हैं इतनी वेग से चलेंगे तो, और उत्तर वेग से कब चल पाओगे, जब ये शरीर जो है रुई से भी हल्का हो जाए, जब शरीर रुई से भी हल्का होगा तभी आप चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे उस वेग से. अर्थात यहां पर रेवती और उसके पिताजी जो है इतना शरीर को सूक्ष्म माने सूक्ष्म शरीर को ही छोड़ दिए और केवल सूक्ष्म शरीर से यहां से गए ब्रह्मा जी के पास. आते हुए इतना विलक्षण गति था कि मास हल्का हो गया तो गति हुई और वह इस संसार के नियम से परे हो गए. अब उनकी आयु की गणना इस संसार के नियम के अनुसार नहीं हो सकता, वह जिस गति पे गए हैं
जिस वजन उनका शरीर का रहा है, जिस प्रकार से रहा, उसके अनुसार उनका गणित अलग हो गया। उस प्रकार के अनुसार जब उनके लाख साल बीत गई, लेकिन हमारे मनुष्यों की यहां की गणित के अनुसार केवल 5 साल बीता। समझ में आई बात? यदि आप भी अपना स्थूल शरीर को लघु कर लीजिएगा, आपका आयु में परिवर्तन हो जाएगा। आपको कहा जाए कि 400 साल जिंदा है, जबकि यहां पर केवल 50 साल बीत जाए। आम आदमी की गणना में 50 साल बीता, लेकिन आपने 400 साल आयु बिता लिए। क्यों? आपने ऐसा शरीर बना लिया सूक्ष्म। इस तरह से योगी लोग क्या है, लाखों साल कैसे रह जाते थे? कारण यही था, वो मास को घटा दिया। अब उसके जो एनर्जी, जो सूक्ष्म शक्ति है, प्राण शक्ति है, इतनी सूक्ष्म हो जाएगी वो, जो आपकी ऊर्जा, जो शक्ति है, प्राण शक्ति, एक मिनट में जो यहां खर्च हो रहा है अभी इस स्थूल शरीर में रहते वक्त, इस स्थूल शरीर का पालन हेतु, एक मिनट के अंदर या एक सेकंड में जितनी ऊर्जा की अपेक्षा होती है, जब आप इससे हट करके सूक्ष्म शरीर में ही केवल रहने लग जाएंगे, कई हजार वर्ष आप उतनी शक्ति से रह सकते। मास डाउन हो गया ना, एनर्जी तो उतनी ही आपके पास, ये तो उतना ही है। एम क्या हो गया? डाउन हो गया, जीरो पे आ गया वो, जीरो से माइनस में चला जाए, स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग हो जाओ। तो मास क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर का कितना वजन होता है? आज तक कोई सूक्ष्म शरीर का वजन नापा है? कहीं नहीं नापा। शास्त्रों में वर्णन नहीं है सूक्ष्म शरीर का वजन कितनी है। कि सूक्ष्म शरीर का वजन जो है आपके पाप पुण्यों पर निर्भर माना गया, अत्यंत सूक्ष्म होता है। और उतनी जितनी वजन घटते जाता है, उतनी आपका शक्ति उतनी है, उतनी शक्ति से आप कितने साल जियोगे? लाखों साल भी जी सकता है, हजारों साल जी सकता है। निर्भर होता है वो अपना उस शरीर में शुद्धिकरण कितनी की, सूक्ष्म शरीर में जितनी वो शुद्ध होगा उतना ही सूक्ष्म होगा, उतना ही हल्का होगा, और उसका मेंटेनेंस के लिए न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। है आपके पास ऊर्जा बहुत, तो आप कितने साल जियोगे तब? हजारों साल जी जाएंगे। होता क्या है, हम अपने शरीर की जो स्थूलता है, भार है, इसको हम घटा नहीं पाते, इसको सूक्ष्म नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से क्या है, अपना आयु का जो यथा यहां का काल अवधि है उसके अनुसार गिनता हो जाता है और उतने में मर जाता है। 60-70 साल मर गया। ये जो रिलेशनशिप है एनर्जी और मास का आपस में, वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। इसलिए आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, रिलेटिविटी मतलब रिलेशनशिप। इसलिए योगी लोग प्राणायाम के द्वारा जितना प्राण को सूक्ष्म करते थे और जब तक जितना अंतःकरण शुद्ध करते थे, उतनी ही आयु उनकी लंबी होती जाती थी। 400 साल की योगी, 500 साल की योगी, 1000 साल की योगी बताया जाता था। आज भी एक प्रचार है, एक बाबा जी नाम का कोई है और 400-500 साल का हो गया है साधु। वो कभी कभी कहीं किसी न किसी साधु को दर्शन दे देते हैं। कथा है, किम वदंती चल रहा है, हो ना हो भगवान जाने, लेकिन शास्त्र दृष्टांत से हो सकता है, निषेध नहीं कर सकते आप। शास्त्र अनुसार है ना, हो सकता है और आप भी वैसे हो सकते हैं। यदि वैसे योगिक क्रियाओं को अपनाए, प्राणायाम आदि को अपनाए और ऐसे प्राण को सूक्ष्म कर दीजिए, आपको भी संभव है। स्वरयोग की प्रक्रिया में स्वर का वर्णन जब करते हैं यहां, नाक से चलने वाले स्वरों का वर्णन किया उन्होंने। यदि आप कितना, अब ये जो चलता है ना, 12 अंगुल कम से कम चलता है, इतनी दूरी तक आता है। वर्णन किया जब स्त्री संबंध करता है पुरुष, 36 अंगुल लंबा होता है, इतनी लंबी श्वास चलती है तेज, अपना वस्त्र का प्राणायाम हो जाता है। 36 अंगुल लंबी चलती है श्वास। और कहा कि मामूल में सामान्य रूपेण 12 अंगुल होता है, विशेष क्रियाकलाप दौड़ वगैरह में उसी हिसाब से बढ़ता है, और ध्यान में जैसे बैठेंगे घटते जाता। और उसको बोलते हैं कि जितना घटाओगे आप, 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, उसमें गिना एक एक अंगुल घटा तो क्या लाभ है। गिनाते गिनाते कहा उसने, जब अर्धांगुल केवल रह गया, मैंने अंदर ही अंदर रह गया, जो अंदर में स्वाभाविक जो हवा है उसी से श्वास प्राण आपने ले ली, उस वही छोड़ दी, बाहर तक श्वास आना जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
तब कहते आप मृत्युंजयी हो जाओगे। इस शरीर को वह यमराज जी भी मारने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी सूक्ष्म हो गया आपका प्राण और इतनी कम शक्ति इस शरीर का भी संभालने के लिए आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसा दिव्य प्राण शक्ति प्राप्त कर लेता है, जैसे दिव्य चक्षु का वर्णन आया योग सूत्रों में, दिव्य श्रोत्र का वर्णन आया, दिव्य गंध का वर्णन आया, वैसे दिव्य प्राण शक्ति को प्राप्त करता है योगी, फिर वो मृत्यु को भी जीत जाता है। ऐसे वर्णन आया है, स्वरयोग पढ़ोगे तो पता चलेगा, अंगुलों की वर्णन किया। वो अंगुल है क्या? एनर्जी तो है, प्राण शक्ति क्या? एनर्जी है। उसको उसने ई करके बोला, एम माने मास में शरीर का जो वजन, ये जितना घटाओगे उतना इसकी जो है उपयोगिता बढ़ती जाती है। ये फिक्स है आपस में, इस धरती पर जीने वालों के लिए ये पक्का है। ज्यादा आदमी जितना भी प्राण आदि की रक्षा करे, खाते पीते रहेगा तो 100 साल में जाना ही पड़ेगा। कोई ऐसा कर्म विशेष अरबों में कितने होंगे, 10-12 जो कि 120-125 तक भी चले जाते, नहीं तो सब 100 के अंदर ही, 100 तक पहुंचना मुश्किल है। 99% जो जन्म ले रहे हैं सब तो 100 के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। कारण क्या है? शरीर को हम स्थूल बना देते हैं और उसको संभालने के लिए शक्ति ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। जितना भारी शरीर होगा उतना ही उसके अंदर खून चलेगा, चलाने के लिए शक्ति का प्रयोग होगा, उतना ही शुद्धिकरण के लिए लघु शंगा पेशाब चट्टा टीप सब तो निकालेगा ना, निकाल कितना मशीन भयंकर चलता है अंदर में, कितनी ऊर्जा खर्चा हो रहा है कम। जितना स्थूल होते जाता है उतना ही ज्यादा खर्चा होता है, उतना ही जल्दी वो खत्म हो जाता है। भोगे रोग भयम, इसलिए ये आइंस्टीन थ्योरी। यहां पर रेवती का मामला में यही हुआ, ये लोग सूक्ष्म से चले गए। अब इसने यहां की काल की गणना वहां के शरीर के मुताबिक गणना नहीं हो सकता, इसलिए वहां के हिसाब से भी कितना हुआ, अलप दक्षिण क्षण मात्र गया है। ब्रह्मा जी की अपनी काल के हिसाब से एक क्षण बीता, हम लोगों के काल के हिसाब से उस लड़की का 5 साल आयु बीता है, लेकिन देखने वास्तव में सामान्य सृष्टि का दृष्टिकोण से देखते हैं तो कई मनवंतर बीत गए, नहीं कई कलयुग, कई कलयुग मनवंतर नहीं कलयुग बीत गए। वही करे तदंत आद्यमानम स्वाभिप्रायम निवेदयत तच्छ्रुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्यतम उवाच। तदंत आद्यम आनम्य, उस क्षण के अंत होने पर एक क्षण रुकना पड़ा ना उसको, उस वेटिंग में होने के बाद में बुलावा मिल गया उसको भी, भाई बोलो तुम क्यों आए हो, तब उसने सबसे प्रणाम किया और अपना अभिप्राय का निवेदन किया, भगवान आपने अपना बेटी को इतना दिव्य और इतना सुंदर बना दिया है, हमको तो इसके बराबर कोई वर नहीं दिख रहा, लंबा भी है, लंबाई भी थी वो लंबी थी, और इसके बराबर लंबा कहां से मिले, मान लो अभी 6.5-7 फुट की 7 फुट की लड़की हो जाए कहां से लड़का लाओ, सब 5-6 फुट के होते हैं। ऐसे एक बार वो चीन में लड़की पैदा हुई 7 फुट 3 इंची 7.25 फुट की, इतनी लंबी थी वो, और शादी करने बड़ा मुश्किल, वहां चाइना में तो वैसे ठीठ ठीठ होते हैं सिर्फ 3-4 फुट वाले, ज्यादा 5 फुट। अब अखबार में और धूप एडवर्टाइजमेंट किया गया, फिर पता चला पाकिस्तान में एक लड़का है 7.5 फुट वाला, अरे भगवान ने पैदा कर रखा था पहले से, अब जात पात सब त्याग करके उन दोनों की शादी कराना पड़ा और क्या करें, सीढ़ी का सीढ़ी से तो तालमेल होगा। तो ये कहानी बन जाते हैं। अब इसने ये पूछा, अब वो जमाने शायद जितना सब कुछ था वैज्ञान, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे मेरे कन्या के योग्य वर कहां है। वो निवेदन जब किया तो श्रुत्वा भगवान ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा इस बात सुन करके प्रहस्यतम वाच, मुस्कुराते उसे कह रहे भाई तुम तो पूछ रहे हो, वहां तो तुम्हारे बंधु बांधु सब भी खत्म हो गए, बीत गया इतना समय वहां पर, खत्म हो गया मामला। अहो राजन निरुद्धास्ते कालेन हृदय कृदा तत्पुत्र पौत्र नत्रीनां गोत्राणी च न श्रृण्महे, तुमको उनके गोत्र भी सुनने को नहीं मिलेगा, सब खत्म हो चुके हैं, तेरे हमारा एक क्षण बीता है, उतना लाख साल वहां बीत गया, कौन चिंता रहेगा, सब स्वाहा हो चुके हैं।
ओहो राजन बड़ा आश्चर्य खेद की बात है राजन, निर्दास्ते कालेन हृदय कृता, हृदय मने हृदय ये कृता ते सर्वे कालेन निरुद्धा मने कालेन संहृदा भवन्ति। जिनको तुम सोच करके अपने हृदय में लेके आए हो तो वो सब तो गए, कोई नहीं रह गया। तत्पुत्र पौत्र नपत्री नाना, और क्या कहूं, वो तो क्या छोड़ो, उनका पुत्र भी नहीं, पौत्र भी, नपता भी नहीं, सब गए, मर चुके। हमारा एक क्षण बीतने में तो कई लाख साल बीत गए, सब तो खत्म हो चुके हैं। गोत्राणि चन्न शृण्मये, मैं तो उनके गोत्र तक भी सुन नहीं सकता, पता ही नहीं चलेगा। कालो अभियात तृणव चतुर्युग विकल्पित तदगच्छ देव देवांशो बल देवो महाबल। कितना काल बीत गया, त्रिनव चतुर्युग विकल्पित, त्रिनव मैंने 27 चतुर्युग का विकल्प काल समाप्त हो चुका है। बताओ, तदगच्छ देव देवांश बल देव, देवता का भी भगवान का जो अंश का अंश है, देव का अंश है देव, उसका भी जो अंश है बल देव, वो महाबली, उसी को जा करके तुम क्या करोगे, कन्या रत्नम इदम राजन नर रत्ताय देहि भो भुवो भारावताराय भगवान भूत भावन। तुम इस कन्या रत्न को ले जा करके उनके हाथ पकड़ा देना, वो नर रत्न है, ये कन्या रत्न है, दोनों रत्न फिट हो जाएंगे, देही भो तुम दे देना। भो भारा अवताराय, देव देवांश कैसे आ गए, अवतारित हो गए, क्या हमारे बेटे से शादी करने के लिए आ रहे हैं क्या वो, कहते नहीं नहीं तुम्हारे बेटे की शादी करने थोड़े आ रहे हैं, वो आ रहे हैं दूसरा और काम है, लेकिन तुम्हारे कन्या का योग्य वही है, इसलिए उनको शादी कराने बोल रहा हूं। क्यों आ रहे वो, भो भारा अवताराय भगवान भूत भावन, भगवान जो है ना भूत भावन, भगवान विष्णु कृष्ण लीला करने के लिए, पृथ्वी का भार को उतारने के लिए जन्म लेने वाले हैं, उनके पहले ये भी आ जाएंगे वहां पर, उनकी लीलाओं का सहयोग प्रदान करने के लिए, लीला में ये भी अवतरित होंगे, जब तब उनके साथ इनका विवाह कर देना। अभी बहुत समय वेट करना पड़ेगा ना, वो भी सोचे क्या करे, जब लीला शुरू होएगा तो वो आएंगे, बाल लीला करेंगे, बड़े होएंगे, जब तब तक इसकी क्या होगी, कैसे सेटिंग करना पड़ेगा इसको, देखो इसकी आयु ना बढ़े ज्यादा 18 से आगे, नहीं तो कैसे शादी होगी। जब भगवान का उम्र 18 हो, 20 हो, 21 हो, आज की कानून के हिसाब से 21 होने चाहिए ना, और तभी 18 साल की बननी चाहिए, उस हिसाब से अब इसका आयु को रोध करना है, अवरोध करनी पड़ेगी आयु को। आयु का अवरोध करने का मतलब क्या, प्राण का ही अवरोध करना पड़ेगा, प्राण का अवरोध करने मतलब समाधि में स्थित रहना पड़ेगा, और खुद भी रेवती को भी समाधि में स्थित करना पड़ेगा, तभी तो वहां कन्यादान करने खुद रहेगा, नहीं तो खुद मर जाएगा, वो रह जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्या करता है उसका वर्णन आता है, देखिए। अवतीर्णो निजांशी न पुण्य श्रवण कीर्तन इत्यादिष्टो अभिबंध्याजम नृपस्व परम आगत का, भगवान ने इस प्रकार स्वांश के निजांश के द्वारा जो पुण्य श्रवण कीर्तन भगवान विष्णु अवतीर्ण होंगे, इति आदिष्टो इस प्रकार से आदेश दिए जाने पर उस अज ब्रह्मा जी को प्रणाम करके राजाधिराज अपने नगर की ओर वापस लौट के आ गए। तो ककुद्मी लौट गया, राजा ककुद्मी पुत्र रेवती के साथ लौट के अपने नगर में पहुंच गया, लेकिन वहां क्या देख रहा है, त्यक्तम पुण्य जनत्रासाद भ्रातृभिर दीक्षु अवसिदेहि सुतां दत्त्वा नवद्यांगीं बलाय बलशालिने। त्यक्तम पुण्य जनत्रासाद भ्रातृभिर दीक्षु अवसिदेहि सुतां दत्त्वा अनवद्यांगीं बलाय बलशालिने। वो जब आप पहुंचा, यो देव देव कांश तो उसको पुण्य जन त्रासादि यक्ष भयात पुरम में वो चिरम पुरम तद भ्रातृ विस्त्यक्तम, है ना, पुण्य जन त्रासा, पुण्य जन कौन, यक्षादि का भय से पहले से उस नगर को छोड़ के लोग सब खाली कर दिए, कोई नहीं था वहां पर, जिस नगरी को बसा करके गया था यहां से ककुद्मी, जिस देश का राजा था वो देश पूरा खाली हो चुका था, कुछ भी नहीं था वहां पर जब लौटा वो।
पुण्य जन त्रासात, पुण्य जन मने यक्ष लोग उनसे परिपीड़ित होकर के भ्रातांग के द्वारा दीक्षित भ्रातृवीर पता नहीं किस दिशा में कौन भाग्य कहां कहां अवस्थित है, कहीं ना कहीं होंगे ये मान के चलना पड़ेगा। और क्या त्यक्तम, त्याग कर दिए गए तो उस नगर को पुरम सताम दत्वा अनवद्यांगीम, तो वो क्या करते बेचारे पता लगाए अनवद्यांगीम सुताम निर्दोष अपनी जो है बेटी को बलाय बलशाली ने जो बलराम भगवान जो बलशाली बलराम भगवान को दत्वा दे करके बदरिया क्यंगदो राजा तब तुम नारायण आश्रमम बद्री नामक जो है आश्रम जो बद्रीनाथ नर नारायण का आश्रम बद्री नाम बद्रीनाथ नाम का है वहां की ओर तप तपने के लिए ही राजा ककुदमी चले गए। देखो कितनी विलक्षणता हो गई वहां तो क्षण भर के लिए और यहां सारा होता उलट पलट हो रखा है, कोई नहीं मिला रिश्तेदार। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था ना वो सब कोई नहीं वहां पर, सुनने को भी नहीं मिलेगा तुम्हारे गोत्र वाला कोई है भी वहां, कहा दिए थे वैसे ही हुआ कोई नहीं था वहां स्वगोत्री। अब पता लगा लोग करके इस बलदेव महाराज जी से अपना काम निपटा करके अपना चले गए। लेकिन इस बीच में इसका मतलब क्या है, इतने समय के बावजूद भी वो लड़की तो जवानी रही, यार रहस्य है ना। लोग कहते हैं आइंस्टीन ने बड़ा खोज कर दिया, क्या खोज अपने योग शास्त्रों में जो कहा कि पुराण में कथा के माध्यम से कह दिया, उसकी आयु वैसी की वैसी क्यों रही, क्योंकि उसने अपने शरीर को सूक्ष्मता में स्थित कर दिया और ऊर्जा को अपने समाज स्थिति में लीन कर दिया, निरुद्ध कर दिया है प्राण को, अतएव जो है आयु बढ़ी ही नहीं। भले संसार का काल वृद्ध हो रहा है, काल बढ़ रहा है, अनेक चतुर्युग बल बीत जाए, लेकिन वो अपना उसी आयु में स्थित है जिसमें था। समय आने वापस शरीर धारण कर लिए और वापस विवाह हो गया, काम हो गया, फिर अपना चला गया, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये जो रहस्य है तभी समझ सकते हैं जब योग आदि को मानते हैं या समझते हैं, तभी संभव है। कि या तो अपने खुद करके देखना पड़ेगा, नहीं तो खुद करने जाओ तो मर जाएगा आदमी, क्योंकि आजकल का शरीर तो क्या है, यूरिया का शरीर है, यूरिया के शरीर में क्या प्राणायाम होगा, क्या योग होगा, है कि नहीं। बैगन खाओगे रोज, कद्दू खाओगे भंडारे, तो कहां से होगा योगाभ्यास, कहां से प्राणायाम करेगा, कहां से सब शरीर थोड़ी सहन कर सकता है। जैसे जब सुख शरीर होता है वो दिव्य शक्ति को धारण करने के लिए उसके अनुसार योग्य शरीर भी तो बनाना पड़ता है, जब स्थूल शरीर उसके योग्य नहीं है दिव्य शक्ति टिकेगा कहां। इसे क्या होता है ज्यादातर योगी अंत में रोगी हो जाते हैं, जितने योगी ही सब रोगी हो जाते हैं। अच्छा ये कई योगी आ जाते हैं महाराज तेरे योग अभ्यास करता हूं लेकिन पता नहीं सब प्रदोष होता है, हमें कहा तो क्या करें, तुमने अपनी नाड़ियों को इस तरह से सेटिंग ही नहीं किया, पहले नाड़ियों को जो है मजबूत करने क्या प्रयास किया, क्या ऐसे खान पीन भी है केवल आसन करने से प्राणायाम से हो जाएगा, खान पीन भी तो हिसाब किताब लगाओ, उसी हिसाब से ध्यान आदि भी करना पड़ेगा, रिलैक्सेशन करनी पड़ेगी ज्यादा, ताकि जो है नाड़ियों में जो आवश्यकता जो है समय प्रकार संचालन हो। और या तो दिन भर दो ऐ ब्रह्मचारी जी ये काम करो, ऐ ब्रह्मचारी ये काम करो, गुरु लोगों ने तो लगा रखा रगड़ाई कर्म योग में, तो क्या योग होगा उसको, अन्य चीज क्या कर सकता हो। इसलिए एक ब्रह्मचारी बड़े नाराज हुए उत्तरकाशी में एक बार, हाँ बार बार प्रश्न, ब्रह्मचारी जी ब्रह्मचारी जी ब्रह्मचारी जी ये करो वो करो ये करो वो करो, फुक्कट का जो है घेर घेस लिया दो मिनट में, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कुछ सन्यासी हो गए महान, काली कल फुक्कट का घेर मिलता है ना, डांट दिया ब्रह्मचारी ने फुक्कट के जो है घेर घिस करके रंग लिया, और ब्रह्मचारी जी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी परेशान कर रखे हैं उनको, हम भी रंग लेंगे बोलता है। तो इसलिए है ना यह सब सामर्थ्य की बात, तो जमाना चला गया, आज जमाना जैसा वैसे चलना पड़ेगा, आज तो कलयुगी योगी लोग हैं। तो अगला अध्याय आरंभ करते हैं, देखिए श्री गोवाच, इस तरह से आठवें पुत्र आठ पुत्रों का वर्णन हो गया ना, नौवें पुत्र का वर्णन कर रहे हैं, अंत में इक्ष्वाकु रह जाएगा और बाद में लेंगे उसको। न भाव न भगापत्यम यम ददम ब्रातर कविम व्यविष्टम व्यभजन दायम ब्रह्मचारिणम आगतम। नभगापत्यम नाभागो, नभग नामक पुत्र का पति था नाभाग,
यम ततम ब्रातरह कविम, यम ततम ब्रह्मचारिणम बहुकालम गुरुकुले वसंतम नैष्ठिको सुविति मत्वा। ये मान करके जो सबसे छोटा था कौन, कवि नामक भाई, कवि नामक भाई था ना, तो नभग के अनेक भाइयों में से कवि एक, दस भाई लोग बोलो कुल मिला के, वो दस जो अंत वाला था जो सबसे छोटा कवि था, उसको ये समझ लिया ये सबसे छोटा है और बहुत गुरुकुल में रह गया, निष्ठिक ब्रह्मचारी हो गया है, इसको संपत्ति उम्पत्ति की जरूरत नहीं है, अब भजन में लग गया, इसको संपत्ति क्या जरूरत है। तो उन्होंने आपस में अन्य लोगों ने बांट मांग लिया। यम तदम भ्रातर कविम, यम तथम इत्यादि ना कते तथम क्या है, नाभागाद अम्बरीशो महाभागवतो अभूत थी, आगे जोड़ेगा नाभाग नामक से ही अम्बरीश राजा हुआ जिसकी एकादशी की कथा चलेगी। तेतुत्व न वंश प्रवर्तक से नभगस्य निष्कपटम चरितम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा अम्बरीश संतान साधारण घर में थोड़े पैदा हो सकता है, ये दिखाना चाहते नभग का चरित्र कितना निष्कपट है, स्वच्छ उसके चरित्र को दिखाने के लिए ही उसका पहले बार में कथन कर रहे हैं। यम ददम भ्रातर कविम नभगस्य निष्कपटम चरित्रम एव तेन च तो श्री रुद्र प्रसाद महा, उसे रुद्र प्रसन्न हो जाता है, वही बात को बताने के लिए आरंभ करते हैं। यविष्टम व्यभजन दायम ब्रह्मचारिणम आगतम, उसने क्या किया, ब्रह्मचारी रूपा बहुकाल गुरुकुल जो निवास करता उसे जैसे आया नैष्ठिक स्मृति मत्ता विभाग समय तस्मय भागम अप्रकल्प भ्रातर सर्वम दायम विभज्य गृहीत्वा पश्चात गुरुकुल आगतम यम भागार्थिनम कविम विद्वांस यविष्ठ प्रति ततम ने तातम पितरम दायम विभजन। उसने क्या किया, भले पिताजी ने उसे कोई हिस्सा नहीं रखा था, लेकिन इसने सोचा कि नहीं ये हमारा सबसे छोटा भाई है, इसको भी हिस्सा मिलनी चाहिए, भले नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहा है लेकिन पिता का जो दाय भाग था जो हिस्सा अपने को मिला था उसी में से उसको दे दिया। दे दिया तो गत नहीं, तो भाई का तो मैं कैसे लूंगा, तो बाप ने नहीं दिया तुम क्यों देने वाले, तुम कौन होते, तुम्हारा हम हिस्से क्यों लेंगे, बाप का हिस्सा और तो तेरा हिस्सा है, तेरे हिस्से में से मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, बाप ने मेरे लिए कोई हिस्सा छोड़ा नहीं। भ्रातरो अभाक्त किम मह्यम भजाम पितरम तव ताम मम आर्यस्तत अभाक्षुर मा पुत्र कतदाधृता। कद हे भ्रातरो अभाक्त किम मह्यम, भाइयों ने सब बांट के खा लिया है तो मेरे लिए क्या रह गया है। तव पितरम भजाम, वहां भी चार नंबर टिप्पणी दे रहे, देखिए भजान पाटे से तदर तव पितरम भज अन गच्च, तुम जो है अपने पिता की ओर जाओ, अनचेष्टायाम धातु से बनाया है, भागम अप्रकल्पे भ्रातर सर्वम दायम विभज्य बांट लिए थे, तव गते तत्र नभग पृच्छति हे भ्रातर, अरे भाई हे भ्रातर संबोधन है, हे भ्रातर इज्जत में बहुचन प्रयोग कर दिया, इज्जत यद्यपि वो सबसे छोटा भाई है बड़ा विद्वान है, बहुत साल गुरुकुल में खूब पढ़ा लिखा है, समझ नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहा है, इस सम्मान पर उसको हे भ्रात रहा संबोधन था। और महियम किम अभाक्त व्यभजंत कम भागम मदर्तम यूयम प्रगल्पितवंता, तो छोटा भाई बड़े भाई से पूछता है कवि, उस बड़ा भाई नभग से मेरे लिए कौन सा भाग पिता ने छोड़ गया बताओ, तो तुम्हारे से नहीं लूंगा, मेरे को यह बताना पहले पिताजी ने मेरे लिए कौन सा भाग छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, भ्रातराव तदा विस्मृतम अस्माभिरिदानीं तु तव पितरम विभजाम, उस समय हम जब बंटवारा हो रहा था हम तो तुमको भूल ही गए थे, कोई दसवां भी है, दशमो ममारा हो गया था हमारी दृष्टि में, दशम स्तोमस्य में मालूम नहीं था, हम तो नवी भाई समझ गए, हम बंटवारा कर लिए और अब तुम आ गए हो तो चलो भाई वापस, पिताजी भी जिंदे हैं उनके पास जाते, जंगल में है तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं पूछते हैं भाई इनके लिए क्या किया जाए, वही करे तदा विस्मृतम अस्माभिरिदानीं तु तव पितरम विभजाम, अब तुम्हारे पिता के संपत्ति को मैं विभाग कर लूंगा, तम पितरम ग्रहण इत्यर्थ, इसे तुम पिता का हिस्सा को ग्रहण करो, वो कहते नहीं सच पितरंग, वो पिताजी के पास नहीं नहीं
हे तथा संबोधन तथा हे तथा हे पिताजी आर्या श्रेष्ठा मे मम ताम अभाक्षर भागन चक्रो, ये श्रेष्ठ लोग है ना मम ताम अभाक्ष हो भागन चक्रो, वे लोग मेरे लिए तुमसे एक भाग दिलाएंगे, हम तुमसे अब नहीं ले सकते। आर्या ही वह मदियो भाग तुम्हें वैत्यर्थ, मेरा भाग में तुम ही हो, इसलिए कि तेरे संपत्ति सब तो वो लोग को दे दिया, अब मेरे भाग में क्या रह गया, तुम ही तो मिल गए, तुम्ही को मैं ले जाऊंगा। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार तो माता पिता भी संपत्ति के सदृश है, इसे उनको भी किसी न किसी का हिस्सा बना दिया जाता है, इसे कहते आर्य। शास्त्र सिद्धांत से आर्यों से पूछोगे ना वो यही कहेंगे, आप तेरे पास कुछ है नहीं, पिताजी कैसे बांटेंगे, पिताजी कुछ स्वत्व है क्या, जब पहले से नौ भाइयों को बांट चुके हो तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं, ये कुछ भी तुम दोगे क्या, अपने को ही देना पड़ेगा। पिता कहते हम बांटेंगे, कहते नहीं दोबारा बंटवारा नहीं होगा, हो गया सो हो गया। और शास्त्र सिद्धांत अनुसार आर्यों के लिए पंच को बिठाया जाए, जो गांव में था ना पंच बिठा देते हैं निर्णय लेने, वो यही कहेंगे तुम्हारे ऐसे में अब तुम्हारे पिताजी जीवित है, इन्हीं का शरीर को ले जाओ, इन्हीं की सेवा करो, इन्हीं से जो दंड करना है सो कर लेना। यम तथम भ्रातर कविम यविष्टम वेजिंदायम ब्रह्मचारिणम आगतम ताम मम आर्य, कहते तामेव मम इति आर्यः हे तत अभाक्षु। तब कहते हैं पिताजी अरे बेटा ये ठीक नहीं, हे पुत्र का अरे कुत्सित पुत्र मेरे को ही अपना संपत्ति बना रहा, मेरे को ले जाकर क्या करो, बेच दोगे क्या, क्या करोगे मेरे को ले जाके। हे पुत्र का तत्तैरुक्तम मादृता प्रतारण मात्रम, इसलिए भाई उन लोगों ने तुम्हारे नौ भाइयों ने जो कहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, छोड़ दो उस बात को, तस्मिन नादर मा कार्षी, उनके वचनों का आदर मत करो, और मैं तुम्हारा हिस्सा हूं ये मत समझो, नहीं अहम दाय भोग साधन इत्यर्थ, मैं दाय भाग के समान तुम्हारे भोग का साधन बन नहीं सकता, उल्टा तेरे लिए बोझा बन जाऊंगा, मेरे से तुम क्या पाओगे, मैं ना खेती हूं तुम्हारा, बाप कहीं खेती होता है क्या, बाप कर क्या लेगा, तुम लेके क्या करोगे, उसकी तो सेवा करनी पड़ेगी, उसे कुछ कराओगे तो पाप लगेगा, सेवा करनी पड़ेगी तो भोग तुम्हारा भोग का शांत बन नहीं सकूंगा, अच्छा मैं दाय भाग तुम्हारे लिए कैसे हो सकता हूं, तो कहते पूरा फिर मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, कहां को बैठा रहूंगा क्या करूंगा, कहते चिंता मत तेरे को रास्ता बताता हूं, नभक इतना महान है वो कहता है कि देखो इमे अंग्रेस सत्रम आसते सुमेधसः षष्ठम षष्ठम उपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि, हे कवि सुनो ये जो अंग्रेस महर्षि है ना ये अपने साथ अन्य जितने भी पंडित बैठे हुए यहां ये सत्र याग करने जा रहे हैं, सत्र याग तो कई दिनों की होती है, हर छठे दिन में जो याग होने वाला है उस याग के मंत्र इन लोगों को पता नहीं है, ये भूल जाएंगे गड़बड़ा जाएंगे, अब तुम वो समय ना मंत्र पाठ कर देना, वो छठा दिन का यज्ञ का देवता कौन है रुद्र, बहुत प्रसन्न हो जाएगा, अरे भाई ये तो कमाल कर दिया, ये सब ऋषि लोग जिस चीज को नहीं जानते थे इसे बोल करके उन मंत्रों से आहुति दिलाकर मेरे को अपना भाग प्रदान कर दिया है, इसलिए रुद्र प्रसन्न होकर के तुम पर तुम्हारा भाग दिला देगा, तुमको भी धन दौलत इस तरह से मिल सकता है, ऐसा रास्ता बता दिया। इमे अंग्रेस सत्रम आसते अद्य सुमेधस, सुंदर बुद्धि वाले अंग्रेस महर्षि एक नहीं बहुचन है, इसलिए सत्र आसते क्योंकि सत्र याग एक यजमान से नहीं होता, ये ऋत्विजा ते सर्वे यजमान प्रतिदिन बदल बदल करके ऋत्व की यजमान होते जाते हैं, कम से कम से सत्र यजमान तो होते ही है वहां, और ये करेंगे क्या षष्ठम षष्ठम उपेत्याहा, छठी छठी दिन जैसे जैसे वो प्राप्त होएगा उस दिन में कर्मणि मुह्यंती, हे कवे अरे कवि ये लोग कर्म में मोह को प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि वह अभिप्लव षडः भवति पृष्ठ्य षडः भवति इति विहितेषु षडेषु आवर्त्यमानेषु, ये विहित मंत्र दिया देखो, अभिप्लव षडः भवति, अभिप्लव नामक त्याग होता है, फिर उसके अगले छह दिन के बाद जो अगला छठा आएगा पृष्ठ्य षडः भवति पृष्ठ नामक याग होता है, इस प्रकार के छह छह दिन पर होने वाले यागों में आवर्त्यमानेषु षष्ठष्टम कर्म उपेत्य प्राप्य कर्मणि तदनुष्ठाने सुमेधसोपि ते सूक्त विशेष अज्ञानी न मुह्यंती, सूक्त विशेष का इनका ज्ञान नहीं है इसे कर्म में मोह को प्राप्त कर जाएंगे, हे कवे हे विद्वन तुम क्या करना उस समय जा करके, तांस्तं संशय सूक्ते द्वे
वैश्वदेवी महात्मनः ते स्वर्यं दोधनं सत्र परिशेषितमात्मनः। तुम क्या करना, वहां जा करके तुम ताम संशय उस कर्म के छठे छठे दिन का जो कर्म कांड का सूक्त है उनका तुम पाठ करना। क्या करोगे, द्वे सूक्त, दो सूक्त उसके लिए उपयोगी। दोनों विष्णुदेव देवता के महात्मनः प्रति ताम संशय, महात्मनः उन लोगों कैसे के प्रति ते स्वर्यं दो, और इससे वे लोग प्रसन्न हो जाएंगे स्वर्ग को जाते हुए। वो क्या करेंगे, जब वो स्वर्ग को जाने लगेंगे तो वो क्या करेंगे, तुमको सत्र का परिशेष जितना धन है वो सारा चीज तुम्हारे लिए दे देंगे, जो अपना है वो तुम्हें दे जाएंगे। इस तरह से तुम भी धन संपत्ति वाले हो जाओगे। दास्यंत तथो गच्छ तथा सत्कृतवान यथा कस्मै दत्ता येहु स्वर्गम ते सत्र परिशेषितम। अरे धनम पूर्व में था ना दास्यंत, अगला में क्रियापद है, पूर्व में था सत्र परिशेषितम आत्मना धनम दास्यंती ते तुम्हारे लिए तुभ्यमेव दास्यंती अतः ततो गच्छ, इसीलिए तुम वहां जाओ या करो। तथा सकृतवान वैसे उसने भी कर्म कांड किया, यथा कृतवान तथा तथैव कृतवान तस्मै दत्वा, इसे उन लोगों ने भी क्या दिया सत्र परिशेषितम धनम तस्मै दत्वा स्वर्गम ययो हो, बोलो तो स्वर्ग चले गए उसको सारा धन दौलत देखे चले गए। तंतश्चित् स्वीकरिष्यन्तम् पुरुष कृष्ण दर्शन उवाच उत्तर तो अभ्येत्य ममेदम वास्तुकम वसु। लेकिन जैसे वो धन का अपना अभिमान करने लगा तो रुद्र प्रकट हो गया, अरे भाई मैं वास्तु देवता हूं, ये सारा धन दौलत मेरा होता है तुम्हारा नहीं। अच्छा तम कश्चित स्वीकरिष्यन्तम, तम स्वीकरिष्यन्तम कश्चित कृष्ण दर्शन पुरुष उवाच, काले काले रंग वाला रुद्र भगवान का स्वरूप होता है, लगभग काला रंग होता है, कृष्ण दर्शन पुरुष उवाच कहने लगा उत्तर तो अभ्यत्य सामने आकर के बोलेगा मम इदम वास्तु कं वसु, ये जो वास्तुक धन है ये मेरा है तुम नहीं ले सकते हो, लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मम इदम ऋषि भी दत्तम इति तर्रेस्व मानव श्यान्नौ ते पितरी प्रश्न पृष्ठवान पितरं तथा। वो भी इतना सीधा है, देखो साफ बोल देता है, भाई देखिए मम इदम ऋषि विरोधत, मुझे तो ऋषियों ने दिया है, तुम्हारा हो किसी को मालूम नहीं, चाहे किसी का हिस्सा हो, मेरे को तो ऋषियों ने दिया है इसलिए मेरा, साफ बात है। इतना ही नहीं, हमारे पिताजी ने भी मेरे को कहा था कि तुमको ऐसे मिलेगा इसलिए भी मेरा है। इतना सत्य वचन बोला जैसे रुद्र प्रसन्न हो गए सत्य से। तरिस्म मानव श्यान्न उत्ते पितरी प्रश्न पृष्टवान पितरं तथा तरिस्म तदैव मम इदम इति मानवो नभग उवाच, नभग ने कहा पुनश्च रुद्रवाच, पुनः रुद्र कहता है नव आवयो अस्मिन् विवादे ते पितरी पृष्ठ स्यात्, अरे हम दोनों के विवाद में अब चलो तुम्हारे पिताजी से ही पूछते हैं वही समाधान करेंगे। पृष्टवान थी शुकोक्ति ही, जैसे उन्होंने पूछा पितरम पृष्टवान तथा यज्जवास्तुगतम सर्वम उच्चिष्टम ऋषेः क्वचित चक्र विभागम रुद्राय सदैव सर्वमर्हति। उसने सत्य वचन बोल दिया, भाई देखो झूठ क्यों बोलूं, वास्तव में रुद्र का हिस्सा होता है, कभी तुम्हारा हिस्सा नहीं हो सकता। यज्ञ वास्तु गतम सर्वम, यज्ञ वास्तु में विद्यमान जितना भी धन दौलत है सर्वम उच्चिष्टम सब कुछ जो कुछ उच्चिष्ट है वह क्वचित ऋषय, क्वचित माने यज्ञ के किसी काल विशेष में ये घोषणा कर देते हैं जो कुछ व्यवशिष्ट है सब किसका है, रुद्राय विभागम चक्रो ऋषय, रुद्र के लिए ही विभाग करते हैं ऋषि लोग, इसलिए सदैव सर्वमर्हति, इसलिए सारा धन दौलत का अधिकारी वास्तव में रुद्र है, तुम कभी नहीं हो। या पिता से तात्पर्य बड़े भाई है ना नभग, बड़े भाई से ही पूछा, जिसने पहले इसको पाठ पढ़ाया था उसी के पास गए, पिता तुल्य है वो इसलिए कर दिया। प्रणम्याह नभगस्तम प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम इत्याह मे पिता ब्रह्मन शीर्षत्वाम प्रसादये। नभगस्तम प्रणम्याह, नभग ने पृष्ठस्य मनोरवाक्यम यज्ञ वास्तुगतम इति उच्चिष्टम
जो है उर्वरितम क्वचित दक्षाध्वरे उच्छेषण भागो वैरुद्राः श्रुति प्रमाण ही। तब रुद्र ने कहा यत्ते पितावत् नभगस्तम प्रणम्या, नभग ने उसको प्रणाम करके कहा तव ईश किल वास्तुकम, हे ईश इदम वास्तुकम तव एव इत्याह मे पिता ब्रह्मन शिरसा ताम प्रसादये, इसलिए अब मैं क्या करूंगा आपको मैं अपने सर को काट करके देख करके प्रसन्न करता हूं। इतनी बड़ी बात कही, बाप रे बाप है श्री रुद्राहा। तब रुद्र कहते कि नहीं नहीं, यत्ते पितावत् धर्मम, यत्ते पिता अवदत् धर्मम तंतु सत्यम प्रभाषसे ददामि ते मंत्र दृशे ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। और तो तुम सीधे ब्रह्म ज्ञानी देखता हूं, ये धन तो क्या है, कुछ नहीं, ये तो नष्ट होने वाले। रुद्र कहते हैं पिता यद अवदत् तदेव धर्मं त्वं तु सत्यं प्रभाषसे, जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कहा था वही वचन तुमने, सत्य वचन तुमने मेरे सामने कह दिया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम मंत्र दृष्टा के लिए अहम ब्रह्म ज्ञानम एव सनातनम ददामि, मैं तुम्हें सनातन उस ब्रह्म ज्ञानी दे देता हूं। ऐसे और ब्रह्म ज्ञान दे तो धन ले जाओगे, कहते नहीं चिंता मत, ये भी तेरा ही है। गृहान द्रविणम दत्तम मत्सत्रे परिशेषितम इत्युक्त्वा अंतरितो रुद्रो भगवान सत्यवत्सलः, सत्य का प्रेमी भगवान रुद्र ने कहा कि इन द्रविणों को तुम ही धारण कर लेना, जो सत्र में मेरे लिए परिशेषित किया जाता है वह सब धन आज से तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा। इत्युक्त्वा अंतर्धान हो गया रुद्रान, रुद्र भगवान जो कि सत्य का प्रेमी है वह सत्यवत्सल हो। यह आख्यान श्रुति प्रसिद्ध है, तथा भविष्य ब्राह्मण नाभाग नाभाने दिष्ठम संसति नाभाने दिष्ठम वै मानवम ब्रह्मचर्यम वसंतम भ्रातरो निर्वजन सो अब्रवीत इत्याश्रुति प्रमाण। मनुपुत्र नभगा, उसको नाभाने दिष्ठम कह दिया, नभगा जो सबसे छोटा भाई ऐसे करके ले लिया। तस्माद असत्यम न ब्रूयात परस्वम चापदिक क्वचित, आपत्काल भी क्यों ना हो फिर परस्वत्व को लेकर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि भी आपत में था कभी परस्वत्व का अपराधिकार भी मिल रहा था आदेशानुसार, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। सत्य न परिसंतुष्ट हो भवा मिष्ट समे भवे, ऐसे भी कुछ श्लोक दिया है। तस्माद सत्यम न ब्रूयात परस्वम च आपदि क्वचित, सत्य न परिसंतुष्ट भवाम इष्ट समे भवे, इस प्रकार से कहा। ये तत् संस्मरेत प्रातः सायंच सुसमाहित कविर भवति मंत्रज्ञ गतिंचैव तदात्मनः, जो ये तार्श कवि की कथा को स्मरण कर लेते हैं प्रातः और सायं दोनों समय सुसमाहित वाले होकर के, वह अवश्य महान ज्ञानी होगा, मंत्रों का ज्ञाता होगा और उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होकर के उसकी आत्मा को वही गति होगी जो कि इसका गति था। ना भागा दमरीशु अभूत महाभागवत कृति ना स्पृशत ब्रह्म शापोपी यन्न प्रतिहत क्वचित, इसका पुत्र वा क्वचित भी न प्रतिहत ब्रह्म शापोपी न प्रतिहत, ब्राह्मण अंगे जो था ना दुर्वासा का शाप तक उसको छू नहीं सका, ऐसे महान पुरुष अंबरीश पुत्र रूपेण नाभागात अंबरीश हो, नभग पुत्र नाभाग था, नाभाग का जो पुत्र अंबरीश महाभागवत भगवान के परम भक्तों में से है। नास्पृशत ब्रह्म शापोपी यन्न प्रतियत क्वचित, यम नास्पृशत जिसको स्पृश नहीं कृति अनलोपी कृत्यानलोपी कृत्या रूपी अनल भी उसको स्पर्श नहीं कर सका। अतो असो महाभगवत अतएव कृति माने पुण्यवान, कृति शब्द स्त्री है ना पुलिंग है प्रथमा के वचन, महान पुण्य कर्म कांड करने वाला पुण्य कर्म करने वाला पुण्यवान इत्यर्थ। राजोवाच परीक्षित पूछने लगा ऐसा कैसा राजा ऐसा कैसा क्षत्रिय है ये जो ब्राह्मण लोग नाराज होकर शाप दे तब भी इसको छुआ नहीं, तो बड़ा आश्चर्य की बात है।
ऐसे भक्त का तो हमें चरित्र अवश्य सुनना चाहिए। राजा कहते हैं भगवन श्रोतुम इच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमदः न प्राभूत्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डादुरत्ययः। हे भगवन राजर्षेस्तस्य धीमदः कथाम श्रोतुम इच्छामि उसकी जीवन चरित्र में सुनना चाहता हूं, चरितम श्रोतुम इच्छामि ऐसा ध्यान करना पड़ेगा। क्यों क्यों सुनना चाहते हो? यत्र जिसके विषय में ब्रह्मदंड निर्मुक्त हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ दुर्वासा जैसा व्यक्ति ने शाप को छोड़ा, जिसको अवतरण करना असंभव था, तदपि न प्राभूत उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस पर। श्रेष्ठ गौवाच अम्बरीश महाभागा सप्तद्वीपवती महीम अवेयांच श्रीम लब्ध्वा विभवम चातुलं भुवि। अम्बरीश महान भक्त सप्तद्वीप वसुंधरा समस्त पृथ्वी का ही राजा हुए, अवयांच श्रम लब्ध्वा अव्यय श्रेय श्री को भी ऐश्वर्य को भी प्राप्त किए, विभवंच तुलम भवि इस पृथ्वी पर अनंत तुल्य अतुल्य अतुलम जिसकी तुलना ही नहीं ऐसा विलक्षण वैभव को उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन सर्व वैभव के प्राप्त होने के बावजूद मैंने अति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत् स्वप्रसंतुतम विद्वान विभव निर्वाणम तमोविशति यत्पमान। लेकिन तस्वप्न संस्तुतम अति दुर्लभम अपि स्वप्न संस्तुतम इव तुल्यमिति मैंने उसको तुच्छ मानता है, क्योंकि वह जानता है ये सब ऐश्वर्य इनका भोग करूंगा तो मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। तमो विशदी यत्पमान, इसलिए पुरुष जो है ना तम को प्राप्त करता है इस ऐश्वर्य का भोग करने से। पुंसाम अति दुर्लभम अभी तत् सर्वम पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ होने की सारी चीज को स्वप्नवत संस्तुतम निरूपितम स्वप्न के सदृश से मान लिया उसने। और अनुपादेय मिति में अर्थात ये अनुपादेय ये ग्रहण करने योग्य नहीं उपभोग करने योग्य नहीं है ऐसा मान लिया। मान करके वह विद्वान ने क्या किया कहते हैं कि भाई विभवस्य निर्वाणम नाशम विद्वान इस जो जानता था ये जो समस्त वैभव है इसका क्या होगा एक न एक दिन जरूर निर्वाण हो जाएगा नाश हो जाएगा। नाश होने के बाद हम कहां जाएंगे तन्नाशेनवा पुमांस तमो विशति मोहे निबज्जति जरता मोह में डूब जाता है दुखी हो जाता है दोबारा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए चोरी छल कपट बेईमानी सब कुछ कर जाता है। इस प्रकार से पापों को करने वाले होकर के अंत तो गत्वा नरक रूप गति को प्राप्त। यह जानता हुआ विद्वान ने क्या किया अम्बरीश ने वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम ये नेदम लोष्टवत् स्मृतम। जिसको ये न इदम सर्वश्वमेव ये सारा विश्व को ही लोष्टव स्मृतम मिट्टी का ढेर के समान समझ गया। समझ करके देवे वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधु वासुदेव भगवान में भगवान के भक्त साधु जनों में परम भावम प्राप्त परम भक्ति भाव को प्राप्त किया। सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदय। बार बार मैं कहता हूं इन इंद्रियों की प्राप्ति जो हुई है किस लिए? संसार को देखने के लिए नहीं, संसार को भोग करने के लिए नहीं। किस काम के कौन सा इंद्रिय है वो बता रहे, सारे इंद्रियों का वर्णन करेंगे कौन सी इंद्रिय से आपको करना क्या चाहिए। यदि जीवन यही वेद वेदिता तो सत्य मस्ती को यदि चरितार्थ करना है अपने जीवन में तो अपने दसों इंद्रियों से इन कामों को करना। मन से क्या करना? सवई मन कृष्ण पदार विंदयो कृष्ण के चरण कमलों का ही ध्यान में लगा दिया। वाणी वचांस जब वैकुंठ गुणान वर्णने जब जब जागृत में आ जाए वाणी बोलना चाहेगी तो भगवान की कथा ही चिंतनी बोलता था और दूसरी बात कभी करता ही नहीं था। हाथों से क्या करता था? करो हरेर मंदिर मार जनादिशो हाथों से भगवान के मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाना पोछा लगाना सफाई करना उन्हीं में लगा रहता था। और कानों से क्या करता था? श्रुतिं चकाराच्युत सत् कथोदये श्रुतिं चकारा अच्युत सत् कथोदये
भगवान अच्युत का सत कथाओं का श्रवण करने में ही उसने अपना श्रवण इंद्र को लगा देता था। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश तभृत्य गात्र स्पर्शे असंग संगमम घ्राणंच तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्या रसनांत दर्पिते। मुकुंद लीला लिंग आलय दर्शन दृश अपने दृष्टि को क्या करता था, भगवान के दर्शन में, भगवान की मूर्ति का दर्शन में, भगवान का मूर्ति जिस मंदिर में लगा मंदिरों में भ्रमण करता था, मंदिर का दर्शन करता था। मुकुंद लिंग आलय दर्शन तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम और अपने त्वग इंद्रियों का सुख किसमें मानता था, भगवान के भक्तों के चरण को जो दबाने से सुख मानता था उसी में अपने इस त्वग इंद्र की चरितार्थता मानता, भगवान के भक्तों का आलिंगन करने से अपने शरीर के स्पर्श का आनंद को वास्तविक आनंद मानता था, स्त्री आदि का आलिंगन अन्य वस्तुओं का प्राप्ति से नहीं मानता था। घ्राणंच तत्पाद सरोज सौरभ श्रीमत तुलस्या रसनांत दर्पित है, घ्राण इंद्र से भगवान के चरण कमल पर चढ़ा हुआ फूलों को सुन करके चरितार्थ करता था। यहां तक श्रीमत तुलस्या रसनांत दर्पित, भगवान के चरणों में अपनी तुलसी को उठा करके अपने रसनेन्द्रिय पर रखता था, उसके रस को चाव करके रसनेन्द्र को इस प्रकार से चरितार्थ कर लेता था। ये नहीं कि जहां बढ़िया रसगुल्ला मिलेगा वहीं भंडारा में भाग खुश खुश होता था, नहीं वैसा कभी नहीं। वो तुलसी का आस्वादन से उसने रसनेन्द्र की चरितार्थता मानता था, अन्य भोग पदार्थों से नहीं, अन्य उत्कृष्ट अन्नादियों से नहीं। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। और चरणों से क्या करता था, हर क्षेत्र पदान बना हरि के जो तीर्थ स्थल है उन तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने में उपयोग करता था, और सिर को बारंबार भगवान के चरण कमल में अभिवंदना करने में लगाया करता था। कामम च दासे न तु काम काम्यया, और जो भी कामना थी उसके अंदर एक ही कामना उसके अंदर हृदय था, हृदय में सदा एक ही कामना थी कि दास्य भाव की कामना, मैं भगवान का दास बन करके सदा उनकी सेवा में लगा रहा हूं, एक ही भावना थी। न तो काम कामना, अन्य कामनाओं की कामना के द्वारा वो उसमें डूबने वाला वो कभी नहीं था। न तो काम कामना यथोत्तम श्लोक का जनाश्रयारति ही। और प्रेम कहां किसके साथ प्रेम करता था, पत्नी बाल बच्चों में प्रेम नहीं था उसको, यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। उत्तम श्लोक के भगवान की जो जन है उन्हीं में आश्रित होकर उन्हीं के प्रति उनका प्रेम हुआ करता था। कामम सर्ग चंद्रनाय सेवाम दास्य निमित्ते तत्प्रसाद स्वीकाराय न तो काम कामिया विषयेच्छया, विषय की इच्छा से कभी नहीं उनके अंदर भावना होती थी। कथम चकार उत्तम श्लोक जनाश्रय रतिर्य था, उत्तम जन उत्तम श्लोक ने भगवान विष्णु उसका जन हो गया, उनके भक्त उन्हीं में आश्रय होकर के उन्हीं में आश्रित प्रेम भाव सदा बने रहे, जिस प्रकार उस प्रकार का व्यवहार सदा करता था। अनेन तद्धैष परम भाव प्राप्त स्फुटी कृत, जो पूर्व में कहा था प्राप्त भाव परम तत्साधुषु वो बात करता। एवं सदा कर्म कलाप आत्मनः परे अधि यज्ञे भगवत्य दोक्षजे सर्वात भावं विदधन महीमिमां तन्निष्ठ विप्राभेद शशासः। एवं सदा कर्म कलापम आत्मनः, इस प्रकार से स्थूल शरीर से इंद्रियों से मन तक सारे वस्तुओं के द्वारा इस प्रकार से कर्म कलाप करते हुए सदा परे अधि यज्ञे जो परम पिशाच परमात्मा सकल यज्ञ स्वरूप संसार का जो अधीश्वर है उस भगवान अधोक्षज भगवान में सर्वात्म भाव विधन सर्वात्म भाव का विधान करता हुआ इमाम महिम इस सारे पृथ्वी पर तन निष्ठ विप्राभेद शशास। परमात्मा निष्ठा रखते हुए विप्राभित सन शशास शासन करता रहा। तन्निष्ठ विप्रगण भगवान में निष्ठा रखने वाले विप्रज्ञ वशिष्ठादिवीर हेतुभूत ही तथैर विस्तृत ही उन्हीं के द्वारा विस्तृत कर दिया गया है, कथित किया गया है, ऐसे इस पृथ्वी पर शासन करने लगा। ईजेश्वमेधैरधि यज्ञमीश्वरम महाविभूत्योपचितांग दक्षिणैहि तथैर वशिष्ठासि गत असित गौतम आदि भी धनवनी
अभिस्रोतमसौ सरस्वती। ई जे अश्वमेध रथ यज्ञम ईश्वरम, वह अधियोग ईश्वर को अश्वमेध यागों के द्वारा बारंबार यजन करने लगा। यज्ञ अधिष्ठाता जो अधीश्वर है उस ईश्वर को अश्वमेध यागों के द्वारा आराधना करने लगा। कैसी आराधना का? महाविभूत्या उपचित अंग दक्षिणी, महाविभूत्योपचितानि अंगानी, महाविभूति से प्राप्त किए अंगों के द्वारा दक्षिणाश्च और दक्षिणाओं के द्वारा यज्ञ का संपादन करता था। तथैर वशिष्ठासित गौतम आदि, और यज्ञ में उनका ऋतु कौन होते थे? वशिष्ठ आदि, वशिष्ठ असित गौतम इत्यादि ऋषि लोग ही के द्वारा विस्तार किया जाता था उस यज्ञ को। ऐसा अभी किया कहा? धन्वनि धन्वदेशे निरुदके सरस्वती भी स्रोतम, सरस्वती का नदी के तट पर जो है उन्होंने बैठ करके महान इस यज्ञों का संपादन करता हुआ भगवान की जो पूजा पाठ करता था।